बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव तत्व को जानना, हम फिर निवेदन करेंगे। आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको लगता है कि आपके घर में शांति नहीं, आपको लगता है कि मेरा यह काम होना चाहिए नहीं हो रहा, तो प्रयास करना, दो लोटा जल घर से लेकर जाइए, एक के ऊपर एक कलश को रख लो, नीचे पांच बेलपत्र, शिवजी के मंदिर में जाकर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाओ, फिर एक लोटा जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उसका पानी शिवजी को चढ़ाओ, दूसरा लोटा जो लेकर गए हो वो जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दो, एक मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जहां पर 33 कोटि देवी देवता बुआरी लगाने के लिए आते हैं, जहां लक्ष्मी 24 घंटे रहती है, सरस्वती का निवास है, 64 योगिनियां जहां निवास करती हैं, 33 कोटि देवता जिस बेलपत्री के नीचे रहते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात मेरे बाबा से प्रार्थना करो और अपने घर पर आ जाओ, बाबा चाहेगा तो 3 महीने में कार्य सफल कर ही दे। कभी कभी भगवान शिव की आराधना का चित्त आनंद सुख हमें बढ़ाना पड़ता है।